गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं दीप्ति। मैं हूं सागरी। आप देख रहे हैं दीप्ति सागरी व्लॉग्स। यस, तो कल है फ्रेंडशिप डे एंड हमने सोचा कि क्यों ना सेलिब्रेट किया जाए। वैसे हम करेंगे ही, बट सोचा कि व्लॉग किया जाए आपको दिखाने के लिए। एंड अभी हम अभी आए हैं आलम सैलून, मुझे कराना अपना हेयर स्पा। आप ऐसे देख सकते कितना चंपू हेयर हो गया। एंड आई एम गिफ्टिंग अ फ्रेंडशिप डे गिफ्ट टू सागरी, अ फ्री हेयर कट फ्रॉम माई साइड। सो चलते हैं, इन झाड़ू जैसे बालों को कुछ अच्छा करवाते हैं। चलो लेट्स गो। सबसे पहले कि आपको थायराइड वगैरह है, थायराइड गैस का प्रॉब्लम और माइग्रेन नहीं, नहीं बाहर ट्रेवलिंग करते हैं ज़्यादा, अभी तो नहीं ना। तो थायराइड है तो पहले थायराइड का इलाज कराएंगे, उससे ही हेयर फॉल ज़्यादा होता है। जब तक वो कंट्रोल नहीं होगा हेयर फॉल कंट्रोल आपका नहीं होगा। ऐसे क्या ट्रीटमेंट्स कराना चाहिए मॉनसून में? नॉर्मल नॉर्मल हेयर फॉल ट्रीटमेंट है वो आप कराइए। अच्छा, सैलून आकर जैसे हेयर स्पा हो गया, हेयर स्पा वन हेयर के ट्रीटमेंट है, हेयर फॉल ट्रीटमेंट में डिफरेंट होता है। अच्छा, जैसे मॉनसून के लिए बताइए, जैसे मॉनसून में कुछ कराना हो तो हेयर फॉल ट्रीटमेंट आया है। अच्छा, ऑर्गेनिक हेयर फॉल ट्रीटमेंट है, ठीक है वो आप कराइए। वो फाइव सीटिंग अगर कराते हैं तो ये आपको पांच प्रॉब्लम अगर नहीं हुआ हेयर फॉल का, गैस्ट्रिक ये थायराइड माइग्रेन, ठीक है, अगर कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं हुआ हो उसका, सर्जरी बाय सर्जरी सब कोई मेडिसिन चलती है, अगर ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा तो आप ऑर्गेनिक हेयर ट्रीटमेंट अभी एक आया है उससे आप कराएंगे। वो ट्रीटमेंट का आपको पर 15 डेज तक उसका कोर्स रहता है, 100% हेयर फॉल स्टॉप करेगा। ठीक भैया, थैंक यू। The next day.